है एवरीवन, इट्स प्रिंस। मैंने रिसेंट में एक पोस्ट डाला था जिसमें कि मैंने कहा था कि मैं सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा था कंपनी का नाम गेस करना, काफ़ी लोगों ने गेस किया था सही। तो नाउ इट्स टाइम टू टेल कि मैं कहाँ जॉब चेंज कर रहा हूँ। कंपनी नेम इज़ BrowserStack एंड मैंने रिसेंट में आफ्टर 6 मंथ ऑफ वर्किंग मैंने जॉब चेंज कर रहा हूँ मैं। एंड काफ़ी लोग का सवाल था कि भैया कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या सवाल जो थे वो टफ़ थे, DSA पूछा नहीं पूछा, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए आपका, एंड लॉट्स ऑफ सवाल। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा, जो जिनमें काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, वो जॉब चेंज करना चाह रहे होंगे। बट मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर एक आइडिया रहेगा कि आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज मेरा ये मानना है इट्स नॉट टू मच टफ जितना आपके माइंड में है। तो मैं आपसे सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा कि टोटल कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे मैंने किया, कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लगता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं जर्नी कि BrowserStack की जर्नी कैसे रही मेरी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि इंटरव्यू प्रोसेस कितने राउंड होते हैं, कितना क्या होता है, तो टोटल 6 राउंड होता है। ठीक है, मैं आपको स्टोरी वाइज, मतलब कि इट मीन्स कि आपको प्रोसेस वाइज मैं आपको कुछ बेसिक थॉट बताते जाऊँगा जो कि आपको सीखना है। ठीक है, अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इस चीज़ को सीखें ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करके काफ़ी अच्छा आउटपुट आप गेन कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ से कि टोटल नंबर ऑफ राउंड और इंटरव्यू कितने होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 राउंड मेरा हुआ था। ठीक है, BrowserStack में सबसे पहला राउंड होता है DSA राउंड। DSA राउंड आप सभी जानते हैं, आपसे DSA के सवाल पूछे जाएंगे। नाउ इट सीम्स लाइक कि क्या भैया आपसे सारे सवाल हो गए थे? नहीं, मेरे से सारे सवाल नहीं हुए थे, मुझसे एक सवाल नहीं हुआ था और वो सवाल बेसिकली आधा हुआ था। कुल मिला के 2.5 सवाल मैंने किए थे एंड सवाल किस तरह के थे, तो सवाल ईजी तो नहीं थे, मीडियम थे, दोनों सवाल मीडियम थे, हार्ड नहीं कहूँगा। एक सवाल हार्ड था जो लास्ट वाला, 2 सवाल मीडियम थे और 1 सवाल हार्ड था जो लास्ट वाला सवाल नहीं हुआ था। अब बोलो कि भैया आपसे सवाल नहीं होते? हाँ, मेरे से सवाल नहीं होते क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता। राइट, मुझे जो आता है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंड राउंड यहाँ पे हुआ मशीन कोडिंग राउंड। मशीन कोडिंग राउंड में क्या होता है भैया? मशीन कोडिंग राउंड में ये होता है कि आपसे एक रियल वर्ल्ड सिनारियो के अकॉर्डिंग आपसे डेवलपमेंट रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। आपको रियल वर्ल्ड में द रियल टाइम में आपको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू एंड दे हैव एक्सपेक्ट कि आपको वो सवाल सॉल्व करना है विद इन 1 आवर और 2 आवर, 1.5 आवर। एंड आपको वो आप उसमें गूगल कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स अगर वो गूगल करने की आपको परमिशन दे रहे हैं तो इट मीन्स का सवाल तो गूगल में नहीं मिलने वाला है। यस, इट्स फैक्ट। ठीक है, तो वो सवाल मेरा क्लाउड पे बेस्ड था कि आपको क्लाउड फाइल में से आपको रियल टाइम ऐप बनाना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो सवाल मैंने सॉल्व किया था। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो रखनी है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक्सपेक्टेशन इतनी लो रखनी है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन लिटरली ज़मीन के अंदर है, ज़मीन पे भी नहीं है, ज़मीन के अंदर है। बिकॉज और वो कब का सो चुका है, बिकॉज जब जब मेरा एक्सपेक्टेशन हाई होता है तब तब मेरा लॉस होता है। ठीक है, ये फैक्ट है और ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन जितना हाई रखते हो ना, आप उतना ज़्यादा नीचे गिरते हो। जब मेरा पहला राउंड हुआ आई वॉज लाइक कि मैं तो आउट हो जाऊँगा बिकॉज मुझसे लास्ट सवाल आधा हुआ। ठीक है, जब दूसरा राउंड हुआ आई वॉज लाइक कि अरे यार बहुत टफ सवाल था। ठीक है, डेफिनेटली अब मैं आउट हो जाऊँगा। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मेरा हो जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी कम थी। आई एम नॉट डिमोटिवेटेड, आई एम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट। द पॉइंट इज डैट कि राउंड टफ था एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा हो जाएगा। नॉट जैसे मैं सोचता था कि मेरा नहीं होगा, तुरंत मुझे मेल आता था कि प्रिंस यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, थर्ड राउंड फिर से वो मशीन कोडिंग राउंड। ठीक है, वो एक एडवांस वर्जन था, उसमें भी सवाल पूछे गए अच्छे खासे ब्राउज़र रिलेटेड सवाल, जिसमें क्या होगा ब्राउज़र ऑपरेट करना था टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो वो सवाल भी मैंने सॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार प्रिंस अब तो बहुत हो गया यार, 3 राउंड तो पहुंच गए, अब कैसे इतना कैसे पहुंच सकते हो? तो थर्ड राउंड मैं सोच रहा था कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था बेसिकली। आई वाज लाइक कि यार ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, काल्मली खेलते हैं अपन। ठीक है, थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया। चौथा राउंड होता है डायरेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट राउंड। ठीक है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट राउंड में आपसे 1.5 आवर मेरा इंटरव्यू चला था, उसमें दुनिया जहान की चीज़ें पूछ ली गई थी। मतलब लिटरली आई वाज लाइक कि मैंने 6 महीने 7 महीने जितना काम किया अपने करंट कंपनी में वो सारा मेरा नॉलेज वहाँ काम आ गया था। आफ्टर दिस क्या होता है, कितना 4 राउंड हो गया। 5वां राउंड होता है डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग राउंड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग राउंड में आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में प्रॉब्लम दिया गया एंड यू हैव टू बी सॉल्व इट, सम काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड मिक्सचर ऑफ DSA। तो यहाँ पे थोड़ा DSA का नॉलेज अप्लाई हुआ, बट इट्स अ बेसिक काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट कि हाईली आपको DP लग रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। बहुत ही आसान था, आसान नहीं था बेसिकली, मतलब कॉन्सेप्ट आसान था, आपको बस सोचना था कि आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पे ना जो इंटरव्यूअर होता है, इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पूरा का पूरा आंसर दो, ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप कैसा सोच पा रहे हो। लिटरली मैंने उस प्रॉब्लम को 5 तरीके से सोचा था एंड लास्ट में भी और सोचने का टाइम मिलता तो मैं और सोचता उस पर। लिटरली पता है 5 राउंड होने तक ना आई वॉज लाइक कि बस अब हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे। इंसान इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट कि नहीं, मतलब बैठता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, होगा, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और, ऐसे करते आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी लो रखनी पड़ेगी ना, जहाँ आप एक्सपेक्टेशन अपनी हाई करोगे आप गिर जाओगे। मतलब लिटरली ये फैक्ट है यार लाइफ में, अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन इतना हाई रखोगे आप उतना ज़्यादा गिरोगे। मतलब मैं कभी कभी जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चल जाए, कभी नहीं चलता वो, लिटरली कभी नहीं चलता। अगर मैं पोल डांस भी कर दूँ तो वो नहीं चलने वाला, ऐसा पोल डांस कर दूँगा तो डेफिनेटली डूब जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन, जब मैं एक्सपेक्ट कम करता हूँ कि ठीक है प्रिंस तू अपना काम कर, जैसे चल रहा है चलने दे, एंड चीज़ें होती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होती है फिर भी अपना काम कर, डैट्स द वे आप सोचते हो, ठीक है। लास्ट राउंड इज़ लाइक वॉट HR राउंड, एंड HR राउंड इज़ नॉट ऑलवेज भी लाइक कि, मतलब मुझे तो HR राउंड यहाँ का एकदम ईजी नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे यार, मतलब मैं कन्फ्यूज़ पड़ गया कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा। बट अगेन आई क्लियर ऑल दिस राउंड एंड दे गिव मी ऑफर टू ज्वाइन द कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो या आई एक्सेप्टेड। पॉइंट इज़ डैट कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। पॉइंट वो होता क्या है ना, जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज मैंने गूगल में अप्लाई किया, ठीक है, तो गूगल में अप्लाई करने के बाद ही मैं इमेजिन कर लिया कि मैं गूगल के चेयर पे बैठ के एसी वाले कमरे में हवा खा रहा हूँ, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि मेरा एक्सपेक्टेशन पहले ये सेट होना चाहिए कि पहला राउंड DSA है, वो मुझे क्लियर करना है। ड्रीम देखना इज़ गुड थिंग, बट एक्सपेक्टेशन अपने आप लो रखो, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि भैया अप्रोच कैसे करें, ठीक है, इतनी सारी कंपनीज है यार, पता कैसे चलता है कब किसकी ओपनिंग आ रही है कब नहीं आ रही। देखो इसके लिए बहुत ही एक स्टैंडर्ड सेट है लिंक्डइन, ठीक है। आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ मुझे जॉब फाइंड करना है, ठीक है, आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करो। नाउ यहाँ पे भी मोर ऑफ द स्टोरी क्या आता है कि वेन एवर वी अप्रोच समवन ना, वी ट्राइंग टू मैसेज समवन, व्हाट वी थिंक कि यार सामने वाला बंदा बंदी क्या सोचेगा। अरे सोचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी कौन सा वो आपको जानता है, नहीं जानता तो जान जाएगा ना। पॉइंट ये होता है ना, हम लोग ये सोचने लगते हैं यार हम तो टायर 3 के कॉलेज से हैं यार, हमें तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, वो बंदा कितनी ऊँची जगह पे है, वो क्या सोचेगा। यार वो कुछ नहीं सोचेगा, वो आपके जगह से ही गया है वहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई गरीब बोलता है मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज यस आई एम, ठीक है। लेकिन मैं अगर अमीर हूँ और मुझे तब कोई गरीब बोलता है तब मुझे अफेक्ट होता है यार कि मैं अमीर हूँ यार, मुझे गरीब क्यों बोल के चला गया। पॉइंट इज़ डैट कि वॉट एवर यू हैव जस्ट एक्सेप्टेड कि यस आई एम, इसमें बुराई क्या है, आप फाइट कर रहे हो ऊपर जाने के लिए ही, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर आप किसी को मैसेज करते हो कि या सम प्लीज़ रेफर मी ऑन दिस पोजीशन, प्लीज़ गाइड मी ऑन दिस थिंग, या प्लीज़ इन पोलाइट वे, इन अ रिक्वेस्टेड वे, तो डेफिनेटली ना इसमें गलत क्या है, हाँ मुझे नहीं आता चीज़, क्या कर लोगे। और समझ लो गलत, हाँ मैं गंदा इंसान हूँ अगर मुझे नहीं आता है तो, अगर ये नहीं आने से गंदगी होती है तो हाँ है, क्या कर सकते हो इसमें। पॉइंट इज डैट कि आपको अपनी ग्रोथ खुद देखनी है, ठीक है। यू कांट बी लाइक कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे भी कह रहे हैं और लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है कि आपके लिए कहेंगे, ठीक है, ये फैक्ट है यार। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचा करो। मुझे लिंक्डइन में कितने लोग मैसेज करते हैं, ठीक है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ बैठ के, मैं तो नहीं सोचता हूँ सामने बंदा क्या सोच रहा होगा, और एग्जैक्ट कोई नहीं सोचता। अगर आपको कोई मैसेज करेगा आप ये सोचोगे क्या, नहीं सोचोगे। पॉइंट इज डैट कि अप्रोच करो, लोगों से बात करो, मैसेज करो, पूछो कि जॉब वैकेंट है, अपना रेज्यूमे भेजो अगर रेफ़र के लिए भेजना है तो, अगर आपको रेफरल चाहिए तो। बातें करने से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। हम लोग रिलेशनशिप भी कहते हैं ना कि बातें करो चीज़ें ठंडी होगी, दैट्स द गेम हेयर। हम लोग अपने आप में ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि क्या क्या सोच लेगा, सोचने दो यार। और लिटरली उसके पास इतना टाइम नहीं कि आपके लिए सोचेगा, उसके पास खुद का फ्यूचर है, खुद का एम है, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ निकाल दो। मैंने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली थी, ठीक है। तो दिस इज़ द वे जिसमें आप अप्रोच कर सकते हो, और लिटरली लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, लिंक्डइन पे काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि कैसे कहाँ से कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपको लिंक्डइन चलाने नहीं आता, आपको लिंक्डइन सेट करने नहीं आता, मैंने एक वीडियो बना रखा है, ये रहा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी आराम से देख सकते हो कि कैसे आप लिंक्डइन में अप्रोच कर सकते हो लोगों को, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि हाउ यू प्रैक्टिस्ड। सो सिंपल, प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ नहीं किया यार। देखो मैं मेरा एक खुद का रहता है कि मैं रोज़ एक DSA सवाल तो लगाऊँ ही लगाऊँ, ठीक है। बोलोगे भैया फिर आपका पहले क्यों नहीं हुआ, आप पहले इस कंपनी में क्यों गए। देखो ऑलवेज़ ना जब आप हिट करते हो तो लक आपके फेवर में नहीं होता, ऑल्दो लक कभी फेवर में नहीं होता। आई वॉन्ट कि मैं क्या सोचता हूँ कि आपके लिए राइट टाइम पे राइट जगह होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी जगह पे कोई वैकेंसी खाली है, ठीक है, एंड आप उस जगह पे पाथ पे चल रहे हो, अगर आपको वैकेंट मिला आप तुरंत भर में उसमें डिप हो जाओगे, राइट। तो दिस इज़ द गेम। राइट टाइम पे राइट जगह होना इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ऑलवेज भी लाइक कि अगर आपको बहुत आता है तो आप बहुत अच्छी जगह पे होने चाहिए। यार आपके पीयर ग्रुप में ही बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पता होगा कि ये बंदा कुछ नहीं जानता बट वो फिर भी आपसे अच्छे पोजीशन पे है। हर किसी केस में जिसके साथ है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी कमेंट करूँगा, ठीक है, कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो बंदा इस जगह पर जो कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, बट मुझे भी होना चाहिए क्योंकि मैं उसे ज़्यादा जानता हूँ, बट आप नहीं हो। क्यों? बिकॉज राइट टाइम पे राइट जगह होना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। वुन बाम ने भी काफ़ी अच्छा एक इंटरव्यू में कहा था कि ही इज़ नॉट लकी, मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ लकी, बिकॉज लकी से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि वो राइट टाइम पे राइट जगह था। एंड दिस इज़ द लिटरली की पॉइंट इन द IT इंडस्ट्री। तो डोंट बी पैनिक एट ऑल कि मेरा नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है। इट्स नॉट लाइक डैट। इट्स लाइक कि आपको हिट मारते रहना पड़ेगा। दैट्स द की पॉइंट, राइट। ऑलवेज नॉट पैनिक एट ऑल कि यार सबका हो रहा है, मैं दुनिया में कहाँ लाई कर रहा हूँ। आप अच्छे जगह लाई कर रहे हो, ट्रस्ट मी मैन, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी एफर्ट कि आपको मारना पड़ेगा। नाउ एक चीज़ और, मैं जैसे कि मैं बैक एंड डेवलपमेंट में हूँ, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी कॉलेज डेज से ही यार। आई डोंट नो वाई, बस इंटरेस्ट आता गया, मैं करते गया। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, काफ़ी सारे चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे लैंग्वेज एक्सप्लोर किए। इन द करेंट कंपनी एज वेल मैंने काफ़ी सारा काम भी किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एच पॉइंट था बैक एंड डेवलपमेंट। ऑल्दो DSA भी था बट बैक एंड डेवलपमेंट ज़्यादा एच पॉइंट था मेरे लिए, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम कर रखा है। तो या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे। व्हाट डू यू थिंक ना, मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ना हद से ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो। मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज एक टाइम पर मैं भी था। इट्स नॉट बिन सेम फुल वाली बात नहीं है कि क्या यार मैं अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। देखो अंडर कॉन्फिडेंस होना इज़ जायज़ ना। आपके पीयर ग्रुप अगर अच्छा कर रहे हैं, आप जिसको देख रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, तो हमको खुद में लगने लगता है कि यार मैं क्या हूँ। बट ट्रस्ट मी, सबसे पहला दिमाग में सवाल क्या आता है ना कि यार हमसे नहीं होगा। मैं सच बताऊँ, आप ही से होगा। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और आप ही से होगा, आपसे नहीं होगा दुनिया में किसी से नहीं होगा। एंड दूसरा थॉट दिमाग में ये आता है कि यार क्या ही आता है हमको। मैं सच बताऊँ, आपको जितना आता है ना बहुत अच्छा आता है। प्रॉब्लम पूरा का पूरा थॉट का है यार। हम लोग हमेशा अपने आप को कम नापते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे आसपास के लोग ऊपर है यार। हो सकता आपको पता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है अपने आसपास के दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों में, बट स्टिल आप अपने आप को कम ना समझ रहे हो। और यही प्रॉब्लम है, लिटरली यही प्रॉब्लम है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। यस, वॉट एवर आई नोज द बेस्ट, दैट्स इट। जैसे कि मैं जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय पॉइंट पर कि मुझे DP में बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, ठीक है, बट DP मेरे से उतना पूछा भी नहीं गया जितना पूछा कि मैंने बता दिया, ठीक है। जो नहीं आता था नहीं आता था, सो सिंपल। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे अटके, काफ़ी सारे इंटरव्यूअर ने रिवर लाइक कि यू डोंट नो दिस, लाइक कि सॉरी सर मुझे नहीं पता इस बारे में। तो बट मैं पोलाइट वे में बोलता था। मुझे लगता था कि नहीं आता, इसमें गुनाह थोड़ी ना यार, कोई चीज़ नहीं आता है तो सीख लेंगे, नहीं आता इतना स्ट्रेस क्यों लेना यार। काम कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, और क्या चाहिए लाइफ में। लाइफ में प्रॉब्लम आप लोग तब क्रिएट करते हो जब आप ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हो अपने आप से, जैसे मैं करता हूँ बहुत बार यूट्यूब के साथ, ठीक है। तब लिटरली स्ट्रेस होता है, जो कि लाजमी है, गलत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम हमारे थॉट्स को सही करने में, कभी कभी इट्स फाइन, बट अगर आप ऑलवेज अपने आप अंडर कॉन्फिडेंट रखेंगे तो डेफिनेटली इट्स योर लॉस। तो ये मत करो यार। अप्लाई करो, दम भर अप्लाई करो, बाल्टी भर भर के अप्लाई करो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं राइट टाइम पर राइट जगह पर तुम पहुँच जाओगे, ठीक है। एंड अपने को कभी ये मत समझो ना कि मुझे तो अभी नहीं आता, मेरा एरे कंप्लीट है। यार ज़िंदगी एरे से बहुत ऊपर है भाई। और सच बताऊँ, एरे ही नहीं पूछते हैं, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप कितना कंसिस्टेंट हो, ये एट द एंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ, एकदम टफ नहीं है। बस आप कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो, ओवर एक्सपेक्ट मत करो, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत समझो। वट एवर यू नो द बेस्ट, वट आई बिलीव। और लिटरली ये मेरा बिलीफ है आप लोगों के ऊपर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ, मैंने सब लोगों से बात कर रखी, मैं बहुत लोगों से दिन भर में बात करता हूँ। एंड आई नो दैट थिंग, इट्स टोटली अप टू यू। मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। अब मैं अच्छी जगह पे हूँ, पहले भी था, जो था जैसा था अच्छा था, ठीक है। कोई चीज़ बुरा नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन एफर्ट मारते रहना चाहिए अपने और बेटर की तरफ, ठीक है। आप जो भी डाउट है आप LinkedIn पे पूछो, मुझसे इंस्टा पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, चैनल पे पूछो, कमेंट पे पूछो। यूट्यूब कमेंट इज़ द बेस्ट वे। यूट्यूब कमेंट मैं ऑलवेज चेक करते रहता हूँ, आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना यार। कॉन्फिडेंट फील किए होगा तो प्लीज़ राइट डाउन करना, कमेंट करना, बताना कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या सीखे, क्या डाउट है, कोई नया वीडियो चाहिए। एवरीथिंग यू कैन शेयर विथ मी, आई एम हेयर विथ यू। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइस, तब तक के लिए बाय, बाय।